الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل. फ़अअरदू, तो उन्होंने एराज किया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कौम सबा का किस्सा जारी है कि कौम सबा जो यमन के इलाके में रहाइश पजीर थी, उस इलाके का नाम सबा था। तो उनके घर और उनके मस्कन, रहने की जगह बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी जरखेज, बड़ी बाबरकत, बड़ी खूबसूरत। तो उनमें बड़ी निशानी थी लोगों के लिए। दाएं बाएं बागात, बागात की आप समझिए कि लाइनें, दाएं जाएं जानिब भी बस्ती के, बाएं जानिब भी। बेशुमार मुसलसल बागात। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब का रिज्क खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर है, रब मेहरबान है। फअअरज़ू, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ लिया क्या मतलब? यानी उन्होंने अल्लाह के अहकामात मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, अल्लाह की नाशुक्री की, रसूलों का इनकार किया, अल्लाह की तरफ से उतरने वाली वही का इनकार किया। तो अल्लाह का तकाजा क्या होता है हमसे, इंसानों से? अल्लाह का तकाजा ये होता है कि अल्लाह नेमतें करते हैं, नेमतों की इंतहा करते हैं, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अब अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल भी करो, अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नेमतें समझो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जबान से, अमल से, अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अमल करो, अल्लाह के नबी उन पर ईमान लाओ, उनके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, मजीद नेमतें दे दूंगा। जो लोग शुक्र करते हैं जबान से, अमल से, तो वो लोग कामयाब होते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा सैयदना दाऊद, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अजमाइन के बारे में, आले दाऊद। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मुतकब्बिर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि जी हमने जोर बाजू से कमाया है, हमने तो अपने सलाहियतों से कमाया है, अल्लाह को भूल जाते हैं, तुग़यानी और सरकशी का शिकार हो जाते हैं। कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अर रआहु इस्तग़ना, हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान अलबत्ता सरकश हो जाता है जब अपने आप को गनी पाता है। और अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वलो बसत अल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अगर अल्लाह लोगों के लिए रिज़्क़ खोल दे, कुशादा कर दे, लबगौ फिल अर्ज़, तो लोग ज़मीन में बगावत पर उतर आए। तो यही हुआ, अल्लाह ने इतनी नेमतें की इस कौम पर, इतनी नेमतें। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का रिज़्क़ खाओ, अल्लाह को कोई कोई मसला नहीं है, अल्लाह को कोई बुरा नहीं लगता कि कोई अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करे, अल्लाह की नेमतें खाओ लेकिन अल्लाह की तालीमात के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन उन्होंने एराज किया। तो असल मसला अल्लाह को ये नहीं है कि कोई अल्लाह की नेमतें क्यों इस्तेमाल करता है, कोई ऐश क्यों करता है, असल मसला ये है कि कोई अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करे, फिर अल्लाह का, अल्लाह के गुण गाए, जिसका खाए उसके गुण गाए, उसका शुक्र अदा करे। जब खाए अल्लाह का और दुआएं और मन्नतें, मुरादें और नजर व नियाज और वो गैरुल्लाह की शुरू कर दे, अल्लाह को भूल जाए, सरकश हो जाए, तो ये तबाही ही तबाही है।
वाइस्तअज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा नेमतें दूंगा। वला इन कफर तुम, लेकिन अगर तुमने ना शुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो यहाँ यही हुआ, फ़अरज़ू, तो उन्होंने एराज़ किया। फ़अरसलना अलैहिम सैल अलारिम, तो हमने भेज दिया उनके ऊपर बड़े जोर का सैलाब। सैल अलारिम जो है हमने भेज दिए, बड़े जोर का सैलाब भेज दिए। ऐसा सैलाब वो उन्होंने जो डैम बनाए थे, जो उन्होंने कंट्रोल किया था उन नहरों को और उस पानी को, वो जो शहर के दोनों साइड से बहता था, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, तो वो उन्होंने उस पानी को कंट्रोल करके डैम बनाकर, कहते हैं बहुत बड़ा डैम था जिसको सद्दे मआरिब कहते हैं, तो वो उन्होंने डैम बनाए हुए थे और उससे जरखेजी और हरियाली और नींदें अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा थी। तो फिर अल्लाह ताला ने सैलाब भेजा, ऐसा सैलाब, पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा होने की वजह से वो डैम टूट गए। जब डैम टूट गए तब फिर तबाही का सैलाब आया, और ये तबाही का सैलाब ये अल्लाह के हुक्म से आया। और अल्लाह ने ये सैलाब क्यों भेजा? उनके एराज करने की वजह से, उनके नाशुक्री करने की वजह से, उनके तुगयानी की वजह से, सरकशी की वजह से। फअरदू, तो उन्होंने एराज किया, तो हमने भेज दिया उनके ऊपर बड़े जोर का सैलाब। वबदलनाहुम बिजन्नतैहिम, और हमने बदल दिया उनको उनकी दोनों बागों के बदले। वो जो दो रवैया बागात थे बस्ती के दाएं बाएं, वो जो एक कितार थी, तो हमने उन बागों को बदल दिया जन्नतैनी, ऐसे दो बागों से, ज़वातई उकुलिन खमतिन, जो बड़े थोड़े से खाने वाले थे, जिनमें थोड़ा सा खाना था, यानी थोड़ा सा जायका था। तो जन्नतैनी दो बाग, ज़वातई, ज़वातई तस्निया है, ज़वातई वाले, जैसे जू होता है ना वाहिद के लिए, तो ज़वातानी वाले दो तस्निया, और ज़वातानी ज़वातैनी, तो इसका नून गिरा हुआ है, असल में था ज़वातैनी, क्योंकि जन्नतैनी मंसूब है, नस्बी हालत है, क्योंकि मफूल बन रहा है। वो बदलनाहुम बिजन्नतैहि जन्नतैनी, हमने बदल दिया उनके दो बागों के बदले ऐसे दो बाग, तो ये जन्नतैनी, ये बदलनाहुम का मफूल है। हमने उनके वो जो बाग थे जरखेज, उन बागों की बजाय उनको ऐसे दो बाग दे दिए। वो कहने को, यानी तंज करते हुए उसे बाग कहा गया, वरना वो बाग नहीं थे, वो क्या थे वो, यानी वो ऐसे बाग थे कि ज़वातई उकुलिन, उकुल से मुराद खाना, यानी जो उसके अंदर खाना या जो उसको फल था, ऐसे फल वाले या ऐसे खाने वाले। खमतिन, उकुलिन मौसूफ है और खमतिन उसकी सिफत है, यानी ऐसा खाना जो ना होने के बराबर और बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़े से फलों वाले बाग। यानी ऐसे दरख्त थे जिनके अंदर अगर फल थे तो वो फल ना होने के बराबर। ज़वातई उकुलिन खमतिन व असलिन, और झाओ के, वो ऐसे दरख्त, एक तो ऐसे दरख्त फलों वाले जिनमें अब वो फल ही बहुत थोड़े ना होने के बराबर। नंबर दो के, अब वो जो दरख्त हैं वो झाड़ के या झाओ के दरख्त, ऐसे दरख्त जो बेफायदा होते हैं, जिनके अंदर बदमज़ा फल होता है, ऐसा फल होता है जो असल में फल वो खाने के लायक ही नहीं है, झाओ के या झाड़ के दरख्त। वशई मिन सिद्रिन कलील, और कोई शय मिन सिद्रिन कलील, थोड़ी बहुत बेरी से, थोड़ी बहुत बेरी। तो थोड़ी बहुत बेरी और झाओ के दरख्त और बहुत ना होने के बराबर फल वाले बाग।
वो जो बड़े बाबरकत बाग थे और उनका जो है वो जबरदस्त किस्म का उनकी पैदावार थी, तो वो अल्लाह ने वो सब खत्म कर दिया और उसकी जगह पर अब ऐसे बाग रह गए दो जिसका मेवा बहुत थोड़ा था, ना होने के बराबर जाओ के दरख्त, और बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत बेरी। और ये सारा क्यों हुआ? जालिक जज़ैनाहुम बिमा कफरू, ये हमने बदला दिया उनको इस सबब से जो उन्होंने कुफर किया, नाशुकरी की, उन्होंने जो रसूलों की तालीमात के मुताबिक अमल ना किया, ईमान ना लाए रसूलों पर, अल्लाह की तालीमात पर ईमान ना लाए, तो फिर हमने उनको ये बदला दिया। वहल नुजाजी इल्लल कफूर, और हम और नहीं हम बदला देते मगर बहुत ना शुक्रे को ही। हल का मतलब नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इल्ला आ रहा है, और नहीं हम बदला देते इल्ला मगर अल कफूर, कफूर मुबालिगे का सीगा है, कफूर बहुत ना शुक्रा, जो बहुत ना शुक्र ना शुक्रा होता है, हम उसे ही इस किस्म का बदला देते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उनके अमाल की वजह से ये ऐसा उनके साथ हुआ। ये जो अल्लाह ने कौम सबा की मिसाल पेश की है, ये ऐसी मिसालें कुरान करीम में कई जगह पेश की हैं। ये अल्लाह ताला का एक उसूल है, अल्लाह ताला नेमतें देते हैं, नेमतों की इंतहा करते हैं, बिन मांगे अल्लाह नेमतें देते हैं, कोई तकाजा नहीं करते पहले अल्लाह ताला, अल्लाह नेमतें देते हैं, फिर नेमने के बाद फिर अल्लाह तकाजा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अब इन नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाए, इन नेमतों को अल्लाह के हुक्म अल्लाह की तालीमात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह रसूल की तालीमात पर अमल किया जाए, जबानी शुक्र किया जाए, अमली शुक्र किया जाए, इन नेमतों का हक अदा किया जाए। जो अल्लाह की इन तालीमात पर अमल करता है तो अल्लाह नेमतें मजीद दे देते हैं, अल्लाह को बड़ी खुशी होती है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान किया करो। हदीस मुबारक में आता है कि इंसान पर अगर अल्लाह ने कोई नेमत की है तो इंसान पर अल्लाह की दी हुई नेमत के असरात नजर आने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि फटे पुराने कपड़े, गंदा लिबास, तो आपने फरमाया कि क्या अल्लाह ने तुम्हें कोई माल नहीं दिया, तुम अच्छे कपड़े पहन लो, साफ सुथरे कपड़े पहन लो। तो उन्होंने अर्ज किया जी अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, अल्लाह का तो अल्लाह ने बड़ी नेमतें की हैं, तो आपने फरमाया कि फिर तुमने अच्छा लिबास क्यों नहीं पहनना, अगर अल्लाह नेमत करे तो अल्लाह की नेमत के असरात बंदे पर नजर आने चाहिए, हाँ अल्लाह की तालीमात के अंदर रहते हुए। फहाशी वाला लिबास नहीं, ऐसा लिबास नहीं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, काफरों के मुशाबे लिबास नहीं, वो लिबास वो अगर अल्लाह ने इनाम किया है तो नेमत की है तो अल्लाह की दी हुई हदूद के मुताबिक, दीन की तालीमात के मुताबिक अल्लाह की दी हुई नेमत के असरात बंदे पर नजर आने चाहिए, तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो, फखर ना हो, इसराफ ना हो। लेकिन जो बंदा अल्लाह के इनामात बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो नाशुक्री करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, हराम तरीके से कमाता है या हलाल तरीके से कमाता है लेकिन फिर इसराफ करता है या फिर तकब्बुर करता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे शख्स से अपनी नेमतें छीन लेते हैं। यही मतलब है वाइज़ा रब्बुकुम लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं मजीद भी दूंगा, वाला इन कफर तुम अगर तुम ना शुक्री करोगे अबिल शदीद तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो कौम सबा के साथ यही हुआ, बड़ी नेमतें थी, इतनी नेमतें कि ये एक निशानी थे दूसरे दूसरे लोगों के लिए, लेकिन फिर अल्लाह ने तबाही डाल दी, और ये तबाही इनकी नाशुक्री की वजह से हुई, इनके कुफर की वजह से, नाशुक्री की वजह से। कफरू का मतलब इनकार भी हो सकता है और कफरू का मतलब नाशुक्री भी हो सकता है, असल में कुफर का मतलब छुपाना होता है, यानी इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों के जवाब में अपने शुक्रिया को छुपाए, शुक्रिया अदा ना करे जबान से या अमल से, तो वो गोया के जब इंसान शुक्रिया अदा नहीं करता अपनी जबान से, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, कहता ये मेरी सलाहियत से है, अपने अमल से शुक्रिया अदा नहीं करता, यानी वो
अल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह की तालीमात का इनकार करता है, शिर्क करता है, ये सब नाशुक्री है, तो फिर अल्लाह की तरफ से सजा आती है। तो कुफर का मतलब छुपाना अल्लाह के शुक्र को। इनकार भी अगर आप करें तो गोया कि अल्लाह की नेमतों का इनकार। अल्लाह की नेमतों का इनकार क्या है? जब इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा न करे, जबान और अमल से अल्लाह की तालीमात अल्लाह का शुक्रिया अदा न करे। तो जो भी ये इनकार करेगा या ये छुपाएगा शुक्र को, तो फिर अल्लाह ताला उसे बदला देंगे। नहीं हम बदला देते, मगर बहुत नाशुक्रे को। यही मिसाल जो अल्लाह ताला ने यहाँ कौम सबा की दी है, यही मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कौर कौम की भी दी है, कुरैश की भी दी है। सूरह नहल आयत नंबर 112 अल्लाह फरमाते हैं, और ज़रब अल्लाह मसलन क़रियतन, अल्लाह ने मिसाल पेश की एक ऐसी बस्ती की, कानत आमिनतन मुतमइन्नतन, वो बड़ी अमन में थी, अल्लाह की तरफ से अमन था, खौफ नहीं था, मुतमइन्नतन वो बड़ी मुतमइन थी, यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, उसे उसका रिज्क वाफर आता था हर जगह से, अल्लाह की तरफ से यानी नेमतें, रिस्क भी वाफर और अमन की दौलत। तो कफरत भी अनुमिल्ला, तो उसने ना शुक्री की अल्लाह की नेमतों की, फ़ अज़ाक़ा अल्लाहु लिबास अल-जुई वल खौफ, वो जो दोनों दोनों अल्लाह की नेमतें, एक वो जो अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ था बहुत से, जो वो करते थे ये उनके अपने अमाल की वजह से था, ये हमारे अमाल की सजा होती है। यही बात अल्लाह ताला सूरह कुरैश में फरमाते हैं, لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। قريش को इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने नेमतों की इंतहा की है। अल्लाह ने الذي أطعمهم من جوع, अल्लाह ने भूख से खाना खिलाया उन्हें, وآمنهم من خوف, अल्लाह ने उन्हें खौफ से निजात दी। قريش जिस अमन में थे, अरब उसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे। قريش को खाना काबा की वजह से जो मकाम और मर्तबा हासिल था, कहीं जाते थे तो लोग कुरैश पर हाथ नहीं डालते थे, वरना उस दौर में डाका और कत्लो गारत, चोरी, ये चीज़ें आम थी, लेकिन कुरैश पर हाथ डालने से लोग डरते थे। क्यों डरते थे? वाकिया फील की वजह से, कुरैश के मकाम मर्तबा की वजह से। अल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह ने ये इनाम किया तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए, ये शुक्र है अल्लाह की नेमतों का। तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए, कुरान की तालीमात पर ईमान लाना चाहिए, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यही मामला आप देखिए पाकिस्तान के साथ, यही मामला दुनिया के हर इलाके और हर बस्ती के साथ। अल्लाह की तरफ से नेमतें होती हैं, और इतनी नेमतें, एक वक्त था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर, ये हांगकांग, ये दुबई, ये सब पीछे थे, मलाइशिया और ये सब मुल्क, चीन, ये सब पीछे थे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन फिर आप देखिए, हमने अल्लाह से जो वादे किए, हमने वादे तोड़ दिए, हमने कलमा के नाम पर मुल्क हासिल किया, और फिर हमने क्या किया आप सबको पता है, वलियाज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू, ये हमने बदला दिया उन्हें इस वजह से जो उन्होंने नाशुक्री की, वह हल नुजाज़ी इल्ला कफ़ूर, और नहीं हम बदला देते मगर बहुत नाशुक्रे को। वजअलना बैन وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة, और हमने बनाया था उनके दरमियान और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दे रखी थी, قرى ظاهرة, ऐसी बस्तियां जो जाहिर थी, وقدرنا فيها السير, और हमने मुकद्दर कर दिया था उसमें सफर को, सीरू फीहा लयालिया, चलो फिरो इनमें, लया लिया रातों में, वाई या मन और दिनों में, आमिनीन अमन के साथ। अल्लाह कहते हैं हमारी इतनी नेमतें थी कौम सबा में कि हमने इनके दरमियान यानी यमन जिस इलाके में ये बस्ती थी, इनके दरमियान और उन बस्तियों के, कुरा जमा है करिया की, उन बस्तियों के दरमियान
जिनमें हमने बरकत दे रखी थी। बरकत वाली बस्तियां कौन सी हैं? मुल्क शाम, शाम के इलाके, शाम की बस्तियां। कुरान करीम में अल्लाह ने शाम फलस्तीन के इलाके को बाबरकत इलाका कहा है, बाबरकत जमीन कहा है, एक जगह नहीं कई जगहों पर। यहाँ अल-कुरल्लती बारकना फीहा, इससे मुराद शाम की बस्तियां हैं, वो बस्ती जिनमें हमने बरकत दे रखी थी। कुरान करीम में कई जगह पर अल्लाह ताला ने अर्ज़ शाम, अर्ज़ फलस्तीन, अर्ज़ बैतुल मुक़द्दस और इसकी बरकत का जिक्र फरमाया है। जैसे कुरान करीम में है, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। क्या मतलब है बारकना, अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये कौन सा इलाका है? पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात को ले गई मस्जिद हराम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसरा करवाया पहले, फिर मेराज करवाया, तो मस्जिद हराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र करवाया अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा वो मस्जिद अक्सा कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दे रखी है। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द क्या है? फलस्तीन और शाम का इलाका। तो इस इलाके में अल्लाह ने बरकत दे रखी है। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सैयदना इब्राहिम, सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए, वनजैनाहू वलूतन इलल अर्ज़ अल्लती बारकना फीहा लिलआलमीन, सूरह अंबिया आयत नंबर 71। हमने निजात दी उसको और लूत को अलैहिस्सलाम, इलल अर्ज़ अल्लती बारकना फीहा, उस सरजमीन में जिसमें हमने बरकत दे रखी थी, लिलआलमीन तमाम जहान वालों के लिए। किसकी बात हो रही है और किस जमीन की बात हो रही है? जी, वनजैनाहू हजरत इब्राहिम की बात हो रही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग से निजात दी, आग को उनके लिए ठंडक वाली, सलामती वाली बना दिया, तो फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया, अब आप यहाँ से हिजरत कर जाएं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर हिजरत कर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी और लूत अलैहिस्सलाम भी कहाँ हिजरत कर गए? फलस्तीन की तरफ, उस जमीन की तरफ जिसमें हमने बरकत दे रखी थी। हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक, और हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत लूत भी पहले उन्होंने भी हजरत इब्राहिम के साथ हिजरत की। तो ये फिर अभी बनी इसराइल फिर इस इलाके में बसे। तो ये बाबरकत जमीन, शाम की सरजमीन। इसी तरह कुरान करीम में है, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब इस इलाके में रहते थे, बाद में फिर बनी इसराइल यहाँ से चले गए मिस्र की तरफ, और फिर मिस्र में फिरौन के गुलाम बन गए, किप्तियों के गुलाम बन गए। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बनी इसराइल को फिरौन से, किप्तियों से निजात दी, और फिर अल्लाह ने दोबारा बनी इसराइल को फलस्तीन और बाबरकत जमीन का वारिस बनाया। وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها। हमने उस कौम को जिन्हें जमीन में कमजोर ख्याल किया जाता था, हमने उसको उस जमीन की मशरक और मगरिब का वारिस बना दिया जिस जमीन में हमने बरकत दी थी। यानी कौन सी जमीन है ये? शाम की सरजमीन। आपको पता है, मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें सहरा सीना से लेकर उन्हें लेके गए थे अर्ज मुकद्दसा की तरफ, और उन्हें कहा गया कि या कौम इदखुलुल अर्ज अल मुकद्दसा, ए मेरी कौम मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ। उससे मुराद भी शाम की सरजमीन है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उस वक्त वो बुजदिल थे, गुलामाना जहनीत थी, इनकार कर दिया, जाओ ए मूसा तुम और तुम्हारा रब लड़ो। तो फिर 41 साल के लिए उन पर यह जमीन हराम हो गई थी। फिर जब वो वहीं से हराम में, हजरत मूसा भी फौत हो गए, हजरत हारून भी फौत हो गए, हजरत यूशा बिन नून बाद में नबी बने, और ये जो बड़े थे ये भी फौत हो गए, इनकी औलादें, जफाकश लोग जब सहराओं के अंदर पल भर कर वो बड़े हुए, तो फिर हजरत यूशा बिन नून की सरकर्दगी में इन्होंने फिर शाम फलस्तीन पर इन्होंने फिर
कब्जा किया अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ने इन्हें फिर फलस्तीन और बाबरकत ज़मीन की मशरक़ और मग़रिब का वारिस बनाया। तो बहरहाल यानी कुरान करीम में कितने मकाम, कितनी आयतें मैं आपके सामने पेश करूँ कि अल्लाह ताला ने इन इस सरजमीन को बाबरकत सरजमीन कहा है, शाम की सरजमीन, फलस्तीन की सरजमीन। तो यहाँ भी अल-क़ुरल्लती बारकना फीहा से मुराद शाम की सरजमीन है, हमने बनाया इनके दरमियान और उन बस्तियों के दरमियान जिन्हें हमने बरकत दे रखी थी, यानी हमने यमन के दरमियान और बाबरकत जमीन यानी शाम की बस्तियों के दरमियान जो बाबरकत थी, इनके दरमियान हमने बनाई थी कुरन जाहिरा, ऐसी बस्तियां जो जाहिरा, जाहिरा का एक मतलब तो ये है कि वो जाहिर थी वो बस्तियां, यानी यमन और शाम, बाबरकत जो इलाका है शाम उसके और यमन जिसमें ये मलक ये कौमें सबा रहती थी, इन यमन और शाम के दरमियान हमने जाहिर बस्तियां बना दी थी इनके लिए। जाहिर बस्तियों से क्या मुराद है, यानी मेन शहरा पर लबे सड़क, सड़क के किनारे मेन रोड पर, वो जो मेन रास्ता था सफर का, उस मेन रास्ते पर बस्तियां थी। कहाँ? यमन और शाम के दरमियान, ये यमन से शाम जाया करते थे, तो रास्ते में वो जो रास्ता था सफर का, उस सफर में सारी बस्तियां थी, कहीं कोई बयाबान जगह, कहीं कोई सुनसान जगह ऐसी नहीं थी, कहीं कोई सहरा वगैरह नहीं था, वो सारा का सारा आबाद जगह था, आबाद जगह थी यमन से लेके शाम तक, यमन से लेके बाबरकत बस्तियों तक अल्लाह ने जाहिर बस्तियां बना रखी थी। जाहिर से एक मुराद तो ये है कि वो जाहिर थी यानी वो मेन रोड पर थी, या दूसरा माना जाहिर का कि ऐसी बस्तियां जो जाहिर थी यानी नजर आती थी, एक बस्ती से दूसरी बस्ती नजर आती थी। क्या मतलब? यानी बस्ती दर बस्ती के बाद बस्ती, फिर बस्ती, फिर बस्ती, यानी दरमियान में कोई लंबा कोई इलाका ऐसा नहीं था जो बयाबान हो, जो सहरा हो, जहां डाकू छुप सके और इस किस्म की चीज। तो कुरान जाहिरा से मुराद यानी मिली हुई बस्तियां जो एक दूसरे को देखती थी, यहां से देखे तो दूसरी बस्ती नजर आ रही है, दरमियान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जो बयाबान हो, जो सुनसान हो, जो खौफ वाला रास्ता हो। अल्लाह ने नेमते बयान कर रहे हैं, अल्लाह ने जिस तरह नेमते की, हमने बनाया इनके दरमियान यानी कौम सबा जो यमन में थे, इनके दरमियान और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें जिनमें हमने बरकत दे रखी थी शाम, जहां इनको अक्सर सफर करना पड़ता था तिजारत वगैरह के लिए, ज़रात यहाँ थी, यहाँ तिजारत करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलती थी, तो वो जो सफर करते थे ये यमन से शाम के दरमियान, तो उसके दरमियान अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जाहिर बस्तियां बना रखी थी, जाहिर बस्तियां यानी लबे सड़क, या फिर जाहिर बस्तियां यानी एक दूसरे से मिली हुई बस्तियां जो नजर आती थी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, वो देख सकते थे एक दूसरे को। वकद्दरना फी हसीर, और हमने मुकद्दर कर दिया उसमें सफर को, सफर हमने मुकद्दर कर दिया, यानी उसमें सफर करना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान था सफर करना। कैसे सफर करना आसान था? सफर में मसला क्या होता है? सफर में मसला होता है कि अगर रास्ते के अंदर सहरा हो, रास्ते के अंदर बस्तियां मौजूद ना हो, तो फिर बड़ा वजनी सामान उठा के साथ ले जाना पड़ता है, खुद अपने कंधों पर इंसान उठाएं, या फिर जानवरों पर बड़ा भारी सामान रखा जाए, पानी रखा जाए, खाने पीने की चीजें रखी जाएं, लेकिन अगर बस्तियां साथ साथ है तो क्या है, बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने की क्या जरूरत है? अभी ये बस्ती गुजरेगी तो अगली बस्ती आ जाएगी, अब अगर सुबह सफर करेंगे तो दोपहर से पहले पहले बस्ती में, अगली बस्ती में पहुंच जाएंगे, जो पानी छाने की कमी होगी, खाने छाने की कमी होगी, वो रकम देके वहां से ले लेंगे, रकम को उठाने के लिए वो बहुत ज्यादा बोझ नहीं होता, सामान उठाने के लिए बोझ होता है। शाम दोपहर को निकलेंगे तो असर से असर तक या शाम तक ऐसी बस्ती में पहुंच जाएंगे, वहां दोबारा फिर वो सादेरा ले लेंगे, दोबारा पानी ले लेंगे, और तो हमने सैर सफर मुकद्दर कर दिया उनके लिए, आसान कर दिया यमन से शाम तक का, रास्ते में सारी बस्तियां हैं। सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन, सफर करो, चलो फिरो इन बस्तियों में रातों को भी दिनों को भी अमन की हालत में। अब बस्तियां हैं, आबादी है, डर नहीं है कि डाकू डाका से नहीं करेंगे, वरना क्या करना पड़ता था इन्हें,
पुराने जमाने में सफर करने के लिए इन्हें एक तो सामान ज्यादा उठाना पड़ता था, पानी ज्यादा उठाना पड़ता था, और नंबर दो, काफलों की सूरत में और बड़े काफलों की सूरत में और जिसके साथ मुहाफिज भी हों, हथियार उठा उठा कर, तो उन्हें उनके साथ सफर करना पड़ता था और खौफ होता था हर वक्त। अभी कोई कोई जत्था हम पे हमला ना कर बैठे, अभी कोई कोई गिरोह डाकुओं का हम पर हमला ना कर बैठे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, सीरू फीहा, चलो फिरो इन बस्तियों में, यमन से शाम जाओ, वहां से वापस आओ, रात को आओ, दिन को आओ, अमन, कोई खौफ नहीं है। याद रखिए, दो बहुत बड़ी नेमतें हैं जिनको बाज दफा हम हल्का ले लेते हैं। एक नेमत यह है कि इंसान अमन की हालत में हो, अमन बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला है, और ये अल्लाह की इस नेमत को उनसे पूछिए जो लोग खौफ की हालत में दिन गुजारते हैं, रातें गुजारते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि रात तक हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अभी यहाँ से मिसाइल आया, अभी कोई डाकू, अभी कोई चोर, अभी दुश्मन जो है ऐसे इलाकों में जहाँ मुसलमान थोड़ी तादाद में, किसी वक्त कोई हमलावर हो जाए, रात गुजार रहे, पता नहीं सुबह हम देखें कि ना देखें, कोई हमला ना कर बैठे, कोई कत्ल ना कर बैठे। अमन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और नंबर दो, रिस्क, अगर खाना मौजूद है, आज का, कल का, परसों का, हमारे पास खाना मौजूद है, एक दिन की गजा मौजूद है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर रिस्क मौजूद है, ये नहीं कि सालों का रिस्क, हमें क्या पता सालों जिंदा भी रहने के नहीं रहने, अगर एक दिन का रिस्क मौजूद है, चंद दिनों का रिस्क मौजूद है, और दुश्मन का खौफ नहीं है, अमन है, अमन दुश्मन से भी हो सकता है, और अमन से मुराद सेहत और आफियत भी हो सकती है। किसी को दुश्मन का खौफ तो नहीं है, दुश्मन से तो महफूज है, अमन अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन सेहत के भी बड़ा खौफ है, पता नहीं सांस भी सही आती कि नहीं आती, दिल पता नहीं सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दिल का रोग लगा हुआ है, अब दिल बंद हुआ क्या, अब दिल बंद हुआ क्या, अब दिल बंद हुआ, अब कहाँ रुकावट आती है, कहाँ कहीं फालिज ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये भी खौफ है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं। आप देखिए इस वाकये में, और मैंने आपके सामने देखकर याद रखी, अल्लाह ने अपने किन नेमतों को देकर किया, अल्लाह ने इन्हीं नेमतों को देकर किया कि इंसान खौफ से अमन में हो। खौफ बीमारी का हो सकता है, इंसान बीमार है, तो आप जो बीमार है कभी उससे पूछें कि सेहत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मैं क्लिनिक गया तो वहां लिखा हुआ था, अला रुउस अस्सिहाई ताजुन ला यराहा इल्ला अल मर्दा, सेहतमंद लोगों के सरों पर एक ऐसा ताज होता है बादशाहत का, नहीं होता कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेमत दे रखी सेहत की। जो मरीज है कभी उसे पूछिए उसकी रात कैसे गुजरती है, जिसको कुछ सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, किसी को दिल का प्रॉब्लम है, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला, ये भी खौफ है, किसी को दुश्मन का खौफ है। और फिर रिस्क, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया इन्हें अल्लाह की नेमतें, हमें, हम कहते हैं जी अल्लाह ने फलां को इतनी नेमत दी, फलां को इतनी नेमत दी, फलां को इतनी नेमत दी, अल्लाह ने हमें कितनी नेमत दी, वो भी तो देखिए अल्लाह की नेमतें क्या हैं। एक तो है ना कौमी सतह पर, एक है इनफरादी सतह पर, ये फलां के पास इतनी नेमतें हैं, कुफार के पास इतनी नेमतें हैं, फलां के पास इतनी नेमतें, नबी सलम का इरशाद है, आपने फरमाया मन अस्बह मुआफन फी बदनी ही, अगर एक बंदे ने इस हालत में सुबह की कि उसका जिस्म सलामत है, अल्लाह ने बीमारी से महफूज रखा, बड़ी बीमारी से, एक बंदे ने सुबह की, उसका बदन, उसका जिस्म आफियत में है, आमिनन फी सिर भी ही, अपने घर में वो अमन में है, उसे दुश्मन का खौफ नहीं है, एक बीमारी का खौफ नहीं है, दुश्मन का खौफ नहीं है,
अमन में है, अमन में दोनों चीजें आ गई। इंदहु कूतु यौमिही, उसके पास एक दिन की गजा मौजूद है। फक अन्नमा हीजत लहु दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए तो दुनिया इकट्ठी कर दी गई है। कौन सी नेमत है जो उसके पास नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की कौन सी नेमत है जो उसके पास नहीं है, दुनिया की सारी नेमतें तो उसे मिल गई। एक दफा एक शख्स ने शिकायत की एक सहाबी के सामने, कौन सहाबी थे, शायद अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस या कौन, कि जी दुनिया में बड़ी मुश्किल आते हैं। वो कहने लगे कि कभी नेमतों को याद करो। अल्लाह की तुम पर नेमतें क्या हैं? तो पूछा कि क्या तुम्हारे पास घर है, सर ढांपने को, रात सोने के लिए घर है, छत जिसमें तुम आराम कर सको? जी घर मौजूद है, रात सोने के लिए, सर ढांकने के लिए। कहा कि बीवी मौजूद है, शादी हुई भी है? जी शादी हुई भी है। सेहतमंद? फला फला। पूछा तो कहने लगे तुम्हारे पास कौन सी नेमत है जो नहीं है? तो बंदा शर्मिंदा सा हो गया, कहने लगा मेरे पास तो खादिम भी है। कहने लगा तेरे पास खादिम है, फिर तो तू बादशाहों में से है, दुनिया कौन सी नेमत है जो तेरे पास नहीं? तो बाज दफा हम जो है ना, अल्लाह की नेमतें हैं, हम अल्लाह की नेमतों को हम गिन नहीं रहे होते हैं, हम दूसरों से मुकाबला कर रहे होते। तो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज्यादा होती हैं, हम बाज दफा नेमतों को नहीं देख रहे होते। हम देख रहे थे हमारे पास फलां शख्स के पास फलां दौलत है, वो मेरे पास नहीं है, फलां शख्स के पास फलां चीज है, वो मेरे पास नहीं है। ये देखिए, ये सही मुस्लिम की हदीस है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, कि एक आदमी ने अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से कहा, अलसना मिन फुकराइल मुहाजिरीन, क्या हम फकीर मुहाजिर नहीं है, फुकरा मुहाजिरीन में से नहीं है? तो आता अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने उससे कहा कि क्या तेरी शादी हुई है, तेरी बीवी है, तो उसके साथ रात गुजारता है? उसने अर्ज किया जी हाँ। कहा अल्लाह का मस्कन तस्कुन हूँ, क्या तेरा घर है तू जिसमें रहता है? उसने कहा जी हाँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने कहा तू तो गनी लोगों में से है, तू फुकरा में से तो नहीं है। तो देखिए यानी अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, हम उनको कई इसमें शुमार ही नहीं कर रहे होते। अल्लाह ने हमें आफियत दी, अल्लाह ने हमें दुश्मन से महफूज रखा, अल्लाह ने हमें रिस्क दिया। और आप देखिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की मक्का के बारे में, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ। दो दुआएं की कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों का रिस्क दे। तो बुनियादी तो भी दो ही नेमते हैं, एक अमन सेहत से हो या दुश्मन से, और दूसरी नेमत रिस्क। और रिस्क भी बहुत ज्यादा और कई दिनों का नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह से पनाह मांगी, कहा है अल्लाह ताला मुझे इतना रिस्क दे कि जो मेरी बस कमर सीधी कर दे। और बाद हदीस में आपने ये दुआ मांगी है अल्लाह ताला मुझे इतना रिस्क दे कि मैं एक दिन खाऊं शुक्र करूं और एक दिन मैं ना खाऊं तो सब्र करूं। तो बहरहाल ये अल्लाह की नेमतें हैं, और हम असल में आसाइशें इतनी चाहते हैं, हमने असल में आज गुर्बत और इमारत आसाइशों का नाम रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की जो नेमतें अल्लाह ने कौमे सबा पर की थी, फकालू रब्बना बाइद बैना अस्फारीन। अब देखिए लोगों का रवैया क्या है, जितनी नेमतें हो जाएं लोग नाशुक्रे हो जाते हैं, जितनी नेमतें हो जाएं। उन्होंने कहा ऐ हमारे रब दूरी डाल दे हमारे सफर में, ऐ हमारे रब हमारे सफर में दूरी डाल दे। क्या मतलब है हमारे सफर में दूरी डाल दे? अल्लाह फरमाते हैं कि यमन में वो रहते थे कौम सबा, और वो जो बाबरकत जमीन थी शाम की, उन बाबरकत बस्तियों तक वो जो शहरा थी वो सारी की सारी आबाद थी, बस्तियां थी वहां, लबे सड़क बस्तियां थी या वो नजर आती थी। तो जब इनको इतनी नेमतें मिली, सफर भी आसान हो गया, तिजारत भी हो रही है, ज़राअत भी हो रही है, सब कुछ मौजूद है, तो कहने लगे अल्लाह ताला सफर बहुत करीब हो गया, सफर बहुत आसान हो गया, सफर थोड़ा सा मुश्किल कर दे, सफर थोड़ा दूर कर दे। ये बस्तियां पास पास हैं, कोई ऐसी जगह भी होनी चाहिए जो थोड़ी सी बयाबान हो, कोई ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ बस्ती ना हो, जहाँ लोग ना हो। अब देखिए अल्लाह ताला किसी जगह आबादी ज्यादा कर देते हैं, किसी जगह आबादी ज्यादा होना अल्लाह की नेमत है,
अब लोग क्या, नहीं आबादी कम होनी चाहिए, कि ज्यादा आबादी जो है ना, ये तो रिस्क खा जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कि ज्यादा शोर होता है, ये शोर कम होना चाहिए। अगर अल्लाह ने सफर आसान कर दिया तो कुछ लोग कहें कि ए अल्लाह सफर ज्यादा आसान हो गया, थोड़ा सा सफर मुश्किल होना चाहिए, ए अल्लाह हमारे सफर बहुत करीब हो गए हैं, हमारे सफर दूर कर दे। बाज़ दफ़ा इतनी नेमतें होती हैं, इंसान कहता है अल्लाह ताला, बाज़ दफ़ा ये मोबाइल वगैरह और ये इतनी नेमतें होती हैं, हम इन नेमतों से तंग आ जाते हैं। और कई दफ़ा कई लोग नाशुक्री का इजहार भी कर देते हैं, अल्लाह ताला बच्चों की नेमत दे दे, तो कई दफ़ा बंदा बच्चों से तंग आ जाए। तो उन्होंने कहा है, हमारे रब हमारे सफर दूर कर दे, ये जो सफर इतने करीब हो गए, इतने आसान हो गए हैं, सफर दूर कर दे। बाज़ कहते हैं उन्होंने बकायदा ये दुआ की, अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी, इतनी फरावानी कर दी, उन्होंने कहा सफर इतना करीब नहीं होना चाहिए था, सफर थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए था। बाज़ कहते हैं उन्होंने ये मुंह से नहीं कहा, उन्होंने ऐसा अपने अमल से कहा। अमल से कहा का क्या मतलब, यानी ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने सफर करीब कर दी है, अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने सफर आसान कर दिया है, वो तिजारत कर रहे हैं आसानी के साथ, अल्लाह की नेमतें। तो अब जबान से उन्होंने नहीं कहा अल्लाह हमारा सफर दूर कर दे, सफर मुश्किल कर दे, अपने अमल से कहा। अमल से कहा का क्या मतलब, नशुक्री की अल्लाह की। नशुक्री करने का मतलब होता है अल्लाह मुझसे मेरी नेमत छीन ले। तो बाद मुफस्सिरीन का कहना है उन्होंने जबान से ये बात नहीं कही थी, बाद तो कहते हैं जबान से उन्होंने ये बात कही। यानी आप देखिए बाज दफा इंसान क्या करता है, वो अल्लाह की नेमत से इस्तगना करके बड़ी चीज को छोड़कर छोटी चीज मांगता है। जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने मन और सलवा की नेमत दी, उन्होंने कहा हमें मन सलवानी चाहिए, हमें तो प्याज चाहिए, हमें तो गंदम चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा, हज़रत मूसा ने उनसे कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, अच्छी चीज को छोड़कर अदना चीज तुम अल्लाह से मांग रहे हो। बार दफा इंसान पर अल्लाह की नियमत इतनी ज्यादा हो जाती है। अब मन और सलवा इतना आता था बनी इसराइल के पास, गोश्त परिंदों का गोश्त सलवा, और मन कोई मीठी चीज थी, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो वो किस्साई हा व फूमी हा व दसी हा व वसली हा फूमी हवा जैसी हवा वसली, उन्होंने कहा हमें तो ये चीजें चाहिए। तो ये भी अल्लाह की नियमतों की नशुक्री होती है। बाज दफा इंसान जबान से अल्लाह की नियमतों की नशुक्री करता है, बाज दफा इंसान अमल से अल्लाह की नियमतों की नशुक्री करता है। अमल से नशुक्री करता है गोया कि वो जबान हाल से कह रहा होता है अल्लाह मुझसे नेमत छीन ले। दोनों तफसीरें हैं। उन्होंने कहा है हमारे रब हमारे सफर दूर कर दे, वो गलमू अनफुसा, उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, फजअलना हम अहादीस, अल्लाह कहते हैं हमने उन्हें बातें बना दी, किससे बना दिया। अब हम किस्सा बयान करते हैं जी, वो कौम सबा ये थी, सद्दे मारिब ये था, वो एक सैल आरम एक एक बड़ा सख्त किस्म का सैलाब आया था कौम यमन में फलां इलाके में, तो फिर अल्लाह ताला उसको किस्सा पारीना बना देते हैं ऐसी कौम को जो अल्लाह की नाशुक्री करे, फिर बस उनका तज़किरा रह जाता है, फिर एक वक्त आता तज़किरा भी खत्म हो जाता है। ममज़क ना हम कुल्ला ममज़क, हमने उन्हें रेजा रेजा कर दिया, पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर देना, हमने अच्छे तरीके से उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। यानी अल्लाह एक तरफ तो बयान कर रहे हैं मैंने कितनी नेमतें की इस कौम पर, इस कौम का आगे से क्या रवैया था, और फिर आगे फिर अल्लाह ने कैसे फिर इस कौम से बदला लिया, ये किससे बन गए। बस इन फी ज़ालिक लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें अलबत्त निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बहुत सब्र करता है और बहुत शुक्र करता है। इसमें निशानियां हैं इस किस्से में और इस जैसे किस्सों में, हर बहुत सब्र करने वाले और बहुत शुक्र करने वाले के लिए। सब्र करना और शुक्र करना, या बहुत सब्र करना और बहुत शुक्र करना, ये मोमिन की बुनियादी सिफात है। क्योंकि किसी इंसान की दो हालतें होती हैं, या मुश्किल की उस पर सब्र करना होता है, या नेमतों की उस पर शुक्र करना होता है, और मोमिन इन दोनों हालतों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब्र और शुक्र से काम लेता है। मुश्किल हालत में सब्र करता है और नेमत में शुक्र करता है। तो इसमें निशानियां हैं हर बहुत सब्र करने वाले बहुत शुक्र करने वाले के लिए, यानी मोमिन के लिए। जिस तरह कुरान में कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया इन्ने फी ज़ालिक लआयातिन लिलमुमिनीन, तो गोया कि ये सब्बारिन शकूर ये ईमान के मुतरादिफ है, क्योंकि ये मोमिन का रवैया है सब्र और शुक्र, काफिर का तो ये रवैया ही नहीं है।
काफिर का रवैया क्या है? नेमत में तकबुर और मुसीबत में वावेला, जजा फजा, लूट गए, मारे गए, ये हो गया, वो हो गया, और नेमत मिले तो उसका गर्दन में सरिया आ जाता है। ना सबर है ना शुक्र, सबर और शुक्र सिर्फ ईमान वाले में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की शायद हदीस है, कि आजब अल अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, इन अमरहु कुल्लहु खैर, उसका हर मामला बड़ा खैर वाला है, इन असाबतु सर्राउ शकरा फकान खैर अल्लाह, जब उसे नेमत पहुंचे तो शुक्र करता है और उसके लिए बेहतर है, वह इन असाबतु दर्रा सबर फकान खैर अल्लाह, अगर उसे मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है और जो उसके लिए बेहतर है, वलैसा ज़ालिका इल्ला लिल मोमिन, और ये सिर्फ मोमिन को ही ये चीज़ हासिल होती है, काफिर को ये चीज़ हासिल नहीं होती। ये मोमिन की सिफत है, मुसीबत में सब्र और नेमत में शुक्र। और याद रखिए, मुसीबत और नेमत हर बंदे की जिंदगी में आती है, जिंदगी में मुसीबत और नेमत आनी है। आप मुसीबत और नेमत को ऐसे समझे जैसे गर्मी और सर्दी, गर्मी और सर्दी आनी है जी, आनी है, तो नेमत भी आनी है, मुसीबत भी आनी है, तो फिर नेमत में शुक्र करना है, मुसीबत में सब्र करना है, और ये रवैया किसका है? ईमान वाले का। तो ईमान वालों के लिए निशानियां हैं इन किस्सों में। जो काफिर हैं वो ऐसे किस्से पढ़ भी लें, उन्हें भी उन्हें इन किस्से पढ़ के भी इबरत हासिल नहीं होती, एक वक्त आता है कि वो भी फिर ऐसे ही बन जाते, उनके साथ भी फिर ऐसा ही होता है। ईमान वाले वो इन किस्सों को पढ़कर सबक हासिल करते हैं, फिर वो ऐसा नहीं बनते। मुसीबत आती है सब्र करते हैं, नेमत आती है शुक्र करते हैं, अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। तो इसमें निशानियां हैं हर बहुत सब्र करने वाले, बहुत शुक्र करने वाले के लिए। वलकद सद्दक अलैहिम इबलीस वन्नहु, और अलबत्ता था कि एक सच कर दिखाया उनके ऊपर इबलीस ने अपना गुमान, इस कौम में, कौम सबा में इबलीस ने अपना गुमान सच कर दिखाया। कौन सा गुमान? जो उसने अल्लाह के सामने उसने जो एक गुमान किया था कि ठीक है अल्लाह, अगर आपने मुझे धुतकार दिए है तो ये मैं आदम की वजह से, मेरे साथ ये मामला हुआ है, अब मैं आदम के पीछे पड़ जाऊंगा, अब मैं इसकी औलाद के पीछे पड़ जाऊंगा, मैंने तो जहन्नम में जाना है, अकेला नहीं जाऊंगा, अपने साथ आदम को ये इसकी औलाद को साथ लेके जाऊंगा। अब मुझे इबलीस ने एक गुमान कायम किया था और एक बात की थी अल्लाह के सामने, तो इबलीस ने इस कौम पर और इस जैसी कौमों पर इबलीस ने अपना गुमान सच कर दिखाया। क्या इबलीस ने कहा था? इबलीस ने कहा था मैं गुमराह करूंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऐ अल्लाह आप इन्हें शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। क्या कहा था इबलीस ने? मुस्तकीम, ए अल्लाह चूंकि आपने मुझे गुमराह कर दिया है, अब मैं इनके रास्ते में बैठ जाऊंगा, सुम्मा ला आती है ना हम मिन बैन अईदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं इनके आगे से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा, व आन अयमानिहिम आन शमाइलिहिम, इनके दाएं से इनके बाएं से आऊंगा, वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, आप इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। इबलीस ने क्या कहा था? आप इनमें से अक्सर को शिकवा करने वाला पाएंगे, शुक्र गुजार नहीं पाएंगे, ये लोग शुक्र गुजार नहीं थे, शुक्र गुजार होते तो तबाही क्यों आती इन पर। और याद रखिए, शुक्र से मुराद, बार बार मैं कह रहा हूँ, जबान का शुक्र भी होता है, अमल का शुक्र भी होता है, और अमल का शुक्र ईमान है, तौहीद है, और जबान का शुक्र जिक्र और कुरान है, अल्लाह का जिक्र है। इबलीस ने इन पर अपना गुमान सच कर दिखाया कि ना शुक्रे बन गए, इबलीस ने कहा था अल्लाह से कि शुक्र नहीं करेंगे, तो इबलीस ने अपना गुमान सच कर दिखाया। फतबाऊ, बस पैरवी की इबलीस की, इल्ला फरीक मिनल मुमिनीन, मगर मोमिनों के गिरोह ने, मोमिनों के गिरोह को छोड़कर बाकी सब ने फिर इबलीस की पैरवी की। इसमें मोमिनों को छोटा सा गिरोह था। वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान, और नहीं था शैतान के लिए उनके ऊपर कोई गलबा, शैतान के पास कोई गलबा नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, इल्ला लिनअलम, मगर ताकि हम जान लें कौन ईमान लाता है, बिल आखिरत, आखिरत पर, मिम्मन हुआ मिन हाफी शक, उनमें से जो शक में है, व रब्बुका अला कुल्ली शैइन हफीज, और आपका रब हर शय पर निगहबान है, अल्लाह हर चीज को देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं शैतान का उनके ऊपर गलबा नहीं था, शैतान ने वसवसा डाला, अब अल्लाह ताला जानना चाहते थे कौन मोमिन है और कौन शक में है, तो ज्यादा लोग शक में थे, थोड़े लोग मोमिन थे, वो बच गए, शक वाले सारे तबाह बर्बाद हो गए, और अल्लाह हर चीज को देख रहे हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।